तो आज बात करने रहे शिक्षक भर्ती की, पूरी कंप्लीट अपडेट की बात बताएंगे आज की डेट में। मैं राम सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 3 नवंबर को आप लोगों की डेट लगी हुई है, और मतलब कि कल, और बहुत ही उम्मीद है अभ्यर्थियों को कि कुछ ना कुछ खास होगा। जैसा कि पिछली जज साहब ने सुनवाई की थी, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफर होने की वजह से, बेंच चेंज होने की वजह से अब ओम प्रकाश शुक्ला जी को केस दे दिया गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर ये लग रहा है कि या तो डेट मिलेगी या फिर जो सुनवाई है उसमें लंबा टाइम खींचेगा। तो उसी क्रम में जो केस लिस्टेड तो हो गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो केस लिस्टेड हुआ है, देख सकते हैं कि कोड नंबर 28 ऑनरेबल ओम प्रकाश शुक्ला जी की बेंच में है, और ये चेंज नहीं हो पाया, ओम प्रकाश शुक्ला जी की में रहेगा। लेकिन यहाँ पर 4 बजे के बाद सुनवाई की बात निकल कर आ रही है महेंद्रपाल एंड अदर्स के लिए, तो ये जो खबर है 4 बजे के बाद सुनवाई होगी, तो ये बहुत ही निराशाजनक है, क्योंकि हो सकता है कि फिर इसका नंबर ही ना आए। तो ये चाहे जनरल वाले हों, चाहे ओबीसी एससी वाले हों, 6600 नियुक्ति वाले हों, तो कोई भी हो, तो उन सभी लोगों के लिए खराब न्यूज कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइमिंग भी दे रखा है 3/11/2022 है 8:04 PM, तो 4 बजे के बाद ये केस सुना जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कितना उम्मीद इस केस की रह जाती है। और फिर नए एक जज साहब है ओम प्रकाश जी, तो उनके द्वारा होने वाले के द्वारा क्या किया जाता है अब देखना होगा। ये बात लंच के बाद ही सुनवाई होगी, सारी अपडेट हम आप लोगों को कल बताते रहेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, कोई भी सारी टेंशन ना ले। और जितने भी टीमें हैं, सभी लोग आप जो कनेक्टेड हैं, तो जो जिस टीम की सपोर्ट करना चाहता है वो उस टीम की सपोर्ट कर सकता है, और अपनी जो नियुक्ति है उसकी प्रक्रिया में भाग ले सकता है, क्योंकि ये एक सहयोगात्मक कार्यक्रम है और सभी के सहयोग से ही ये सारी चीजें हो पाएंगी। अब देखना है कल विशेष क्या होने वाला है, कल बड़ा, तो जो भी अपडेट मिलेगी सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आप तक पहुंचा देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।